खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। और इस वक्त सीलमपुर इलाके में किस तरीके के हालात बने हुए हैं, सीधे आपको लिए चलते हैं। अंकित गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। अंकित, अब तो अंधेरा होना शुरू हो चुका है, इस समय किस तरीके की स्थिति, कैसी तस्वीर? रोमना, हालात अभी भी यहाँ पर संवेदनशील हैं, टेंस हैं, और जो पुलिस के अधिकारियों से हमने बात की है उनका भी ये कहना है कि पहले की तुलना में निश्चित तौर पर ये कहा जाएगा कि हालात सुधरे हैं, लेकिन हालात अभी भी संवेदनशील हैं। और उसकी तस्वीरें भी आपको दिखाता हूँ, क्यों पुलिस के अधिकारी ऐसा कह रहे हैं और क्यों हम ऐसा कह रहे हैं। अभी भी बड़ी संख्या में जो पुलिस के जवान हैं वो यहाँ पर तैनात हैं। पुलिस के जवान अंदर से, जो अंदर के इलाकों में थे उनको बाहर जरूर निकाला गया है। रैपिड एक्शन फोर्स के हैं, दिल्ली पुलिस के जवान हैं, उनको बाहर जरूर बुलाया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हटा दिया गया है। तो जरा वो सुनवा दीजिए अंकित गुप्ता, पुलिस की तरफ से जो अनाउंसमेंट हो रहा है सुनाइए। रोमाना, यहाँ पर जो है वो अनाउंसमेंट की आवाज सही से नहीं आ पा रही है, लेकिन मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा कि जहाँ पर आपके पास देखिए सीलमपुर इलाका, वहां पर अब शांति बनाए रखने के लिए अपील की जा रही है। पुलिस जो है वहां के जो लोग हैं उन्हीं की मदद ले रही है, उनसे अनाउंसमेंट कराया जा रहा है। और अभी आपने सुना किस तरीके से वहां पर मौजूद लोग भी बाकायदा लाउडस्पीकर पर ये अनाउंसमेंट कर रहे हैं, हिदायत दे रहे हैं कि जो लोग जुटे हुए हैं वो वापस अपने अपने घरों को लौटे। किसी तरीके से किसी को हिरासत में नहीं रखा गया है, पुलिस ने किसी को डिटेन नहीं किया है। एक बार फिर से सुनते हैं पुलिस की तरफ से क्या कहा जा रहा है, जरा सुनिए। हम माता जी, आप एक बात सुन लीजिए सर, सुनिए भाई, ये हमारे आपके जितने भाई हैं परेश जी आए, ये सभी थाने जाके अभी चेक कर गए। अगर फिर भी किसी को लगता है कि किसी का बच्चा मिसिंग है, किसी का बच्चा उनके साथ नहीं है, इस पूरी भीड़ में कोई बच्चा किसी का खो गया, या फिर आपको लगता है कोई भी माता यहाँ है, कोई भी मेरा भाई है जिसको अपने परिवार का कोई भी बच्चा मिसिंग लगता है, आप मेरे साथ चलिए, आप परेश मेरे के साथ चलिए। आप जहाँ जाने को बोलेंगे हम वहाँ चलेंगे, जो हमारे थाने जो हमारी ऑफिस है आप जहाँ बोलेंगे वहाँ चलेंगे। आप एक बार तसल्ली करेंगे और इसके बाद परिवार से जो बच्चा मिसिंग है वो परिवार चलते जो नहीं है।
और अभी सुना आपने पुलिस की तरफ से, देखिए कैसे आश्वासन दिया जा रहा है, पुलिस वहां मौजूद लोगों को समझा रही है, वहां मौजूद लोगों की जो आशंकाएं हैं कि कहीं पुलिस ने किसी को डिटेन तो नहीं कर लिया है, हिरासत में तो नहीं ले लिया है, तो ये पुलिस अफसर जिनके हाथ में आप इस वक्त लाउड स्पीकर देख रहे हैं वो बाकायदा ये ऐलान कर रहे हैं कि अगर आप में से किसी को लगता है कि आपका बच्चा नहीं है हमारे पास है तो चलिए आप जहां आप चाहते हैं हम आपको लेकर चलते हैं। पुलिस बार बार इस बात को दोहरा रही है कि पुलिस ने किसी को डिटेन नहीं किया है, किसी को पुलिस ने हिरासत में नहीं लिया है, और पुलिस बार बार ये अपील कर रही है कि लौटिए अपने घरों को, यहां मत जुटिए। और ऐसे में मैं जरूर कहना चाहूंगी इन तस्वीरों को देखकर, इस माहौल को देखकर कि देखिए नेता तो बयान देकर माहौल बनाकर चले जाते हैं, लौट जाते हैं, लेकिन आम आदमी देखिए कैसे इस वक्त सड़क पर खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है। इस राजनीति को समझना होगा, इस राजनीति से उबरना होगा, और साथ ही लोकतंत्र के हित में एक बार फिर से आपका चैनल एबीपी न्यूज आपसे ये अपील करता है कि प्रदर्शन का आपको अधिकार है, लेकिन संयम के साथ शांतिपूर्ण तरीके से, हिंसा कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देश संविधान से चलता है, कानून व्यवस्था से चलता है, किसी को अधिकार नहीं है कि वो इस तरीके से कानून को अपने हाथ में ले। और अब देखिए पुलिस की अपील का कुछ असर भी मुझे लग रहा है हो रहा है, यहाँ से कुछ भीड़ अब छटती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले तक यहाँ पर बाकायदा एक भीड़ का जमावड़ा सा लगा हुआ था, लेकिन पुलिस की तरफ से ये ऐलान किया गया कि हमने किसी को डिटेन नहीं किया, किसी को हिरासत में नहीं लिया। पुलिस ने आश्वासन दिया यहाँ पर मौजूद लोगों को, एक एक को पुलिस बाकायदा ये कह रही है कि अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि कोई आपका आपको नहीं मिल रहा, आपको लगता है कि उसको पुलिस ने हिरासत में लिया है, तो आइए हमसे बात कीजिए, हम आपकी आशंका को दूर करें। और इस बीच आपको बता दें कि कई मेट्रो स्टेशंस जो बंद किए गए थे सीलमपुर में हुई इसी हिंसा को देखते हुए, अब तक 6 मेट्रो स्टेशंस जहां पर मेट्रो शुरू नहीं हुई है, दिल्ली में अभी भी मेट्रो के 6 स्टेशंस बंद किए गए हैं एहतियात। सीधे रुक करते हैं, अंजलि सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अंजलि, कुछ जानकारी मिल पा रही है क्या, आज ये बंद रहेंगे मेट्रो स्टेशंस या फिर खुल सकते हैं कुछ समय बाद? जी देखिए, पूरी तरह से स्थिति पर निर्भर करता है, और जैसे ही जिस तरह की हिदायत डीएमआरसी को मिलेगी प्रशासन की ओर से, वैसा ही स्टेप फॉलो किया जाएगा। फिलहाल सीलमपुर के जो सभी ओपन कर दिया गया है, सीलमपुर को भी बंद किया गया था, कुल 7 मेट्रो स्टेशन बंद हुए थे, जिनमें से फिलहाल सीलमपुर की एंट्री और एग्जिट ओपन की गई है। इसके अलावा जाफराबाद, वेलकम और शिव बिहार, ये जौहरी एनक्लेव, ये तमाम जो 6 स्टेशन है मेट्रो के वो अभी भी बंद है, और मेट्रो स्टेशन पर ये अनाउंसमेंट भी की जा रही है जिससे कि जो यात्री उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो। तो फिलहाल इन 6 स्टेशन पर अभी भी जो ट्रेन है वो नहीं रुक रही है, और साथ ही साथ एंट्री और एग्जिट गेट भी बंद रखे गए हैं। लेकिन सीलमपुर स्टेशन की बात करें तो वहां पर मेट्रो सेवा फिर से बहाल हो गई है, यात्री वहां से मेट्रो ले सकते हैं।